जय शंकर, कहो तो क्या समाचार है? महाराज, शत्रुओं की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। ठीक है, लंका के वीरो रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बरिश सागर के पार खड़ा कर था अपना तैयारी। अरे सहाय को सेनापतियों, संगठित बने भी हो जाओ, जिस तरह शत्रु दल हो पड़ा बस उसी मार को लेकिन जरूर कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। थोड़ा क्या कहना चाहते हो विभीषण, कहो। बता रहा हूँ भैया, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम काम आने वाला नहीं है। ये क्या बताओ विभीषण? कहते हैं ठाकुर सुहाती सब, ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें करते समाप्त, वे जीते हैं सब मरने को। बालक उनको
आपसे मिलने आ रहा है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा सुनो हे कपिराज, तुम्हारी क्या राय है? भगवान राक्षसों की माया नहीं जानी जाती, मुझे यह जान पड़ता है इसे बाध कर भेद कर लिया जाए। सखानी की तुमनी कभी चाई हे भाई, आपकी राय तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरी प्रतिज्ञा है कि शरण में आए हुए को जो त्याग दे उससे नीच संसार में कोई नहीं है। मेरे पास तो वही आ सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो, और यदि कपट भाव से आता है तो कोई भी भय नहीं है। सखे सुग्रीव, समझ लो संसार में जितने भी राक्षस हैं, लखनलाल सबको एक पल में मार सकते हैं, इसलिए उसे आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ। सोनी प्रभु पकड़ हर सि हनुमान शरणागत वचन भगवान। हे नाथ सुनिए, हे नाथ आज तक याद मुझे सब ठीक ठाक है, और अपना कहिए अपना भी सब ठीक ठाक है। प्रभु 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 जी कैसे हैं? सब एकदम कुशल मंगल है भैया, प्रभु के शरण में आए हैं तो आप प्रभु से मिलते चलिए। ठीक है भैया। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत घर माया हो, रघुराई मेरी बाह दो मैं शरण आप की आया हूं। मैं दसमुख वाले रावण का भाई विभीषण हूँ,
मैं राक्षस कुल में जन्म लेकर सदा ही पाप करता चला आया हूँ नाथ, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु। सफलता नहीं मिलती।
अथवा गंगा जल ले आकर चढ़ाएंगे, वे साक्षात ब्रह्म के अधिकारी होंगे और जो मेरे द्वारा बनाए हुए श्वेत का दर्शन करेंगे वे संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। चलो सब बोलो रामेश्वर महादेव की जय, समाचार है महाराज? शत्रुओं की सेना फुल बात कर इस बार आ गई है। क्या कहा? शत्रुओं की सेना फुल बात कर इस बार आ गई है। तो ठीक है, बायो बदमीर जलद सिंधु बारे सत्य थोड़े कंपित उदर योग। क्या सत्य ही दोनों तपस्या सेना से इस बार आ गए हैं? तो ठीक है, आने दीजिए। हे भाई, अब क्या करना चाहिए? बाल पुत्र अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए तो हो जिससे शत्रु का समाचार मिल सके। नीक मार्ग सब के मन अंगद सन कह हे गुण के भाव बाल पुत्र अंगद, तुम मेरा काम बनाने के लिए लंका जाओ और सुनो, युवराज जानते हैं हमारा सच्चे प्यार कुशल तुम्हारा, बलवान बाप के बेटे हो सब बात समर्थ सब कुछ धर्म निहित कुछ राजनीत कुछ बल भेद खेला पेराना, बल वीर जहाँ तक संभव सब जगार पिता खेल एक खेला खेल लो जो आपकी मर्जी हो। जैसा एक
के खेला चलाइए हमारे समझावे तो चलाइए पहली बार खेली लाल निकले हो भेजो नगदी।